तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रफाल के मुद्दे पर, और उन्होंने उस पर जिक्र किया, एक अखबार का हवाला दिया और ये कहा कि अखबार में ये लिखा गया है, तत्कालीन रक्षा सचिव ने कहा कि यहाँ पर सीधे पीएमओ ने सौदेबाजी में दखल दी, जिसको लेकर एतराज जताया गया है तत्कालीन रक्षा सचिव के द्वारा। राहुल के आरोपों पर तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि रफाल डील में हुई बातचीत का उसकी कीमतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक वो बातचीत सिर्फ नियम और शर्तों को लेकर हुई। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, जिस तरीके की सफाई अब मोहन कुमार के द्वारा दी जा रही है, जरा उसको स्पष्ट कीजिए, इससे क्या आशय निकाला जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कीमतों से लेना देना नहीं है इसका, इसका लेना देना नियम और शर्तों से है। देखिए अर्पिता, ये सफाई नहीं बल्कि इस मामले का बहुत बड़े किरदार मोहन कुमार हैं, क्योंकि मोहन कुमार ही उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थी और उन्होंने ही ये चिट्ठी में ये बात लिखी थी जो रक्षा मंत्री के संज्ञान में लाई गई थी। उन्हीं की बात का जो हवाला दिया था राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, और अब मोहन कुमार सामने आए हैं। उन्होंने साफ ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो हस्तक्षेप किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिसेंट इस मामले में था वो प्राइसिंग को लेकर के नहीं था, पीएमओ की तरफ से जो प्राइसिंग में दखल दिया जा रहा है उस मामले पर नहीं था, बल्कि जो सोवेन गारंटी देश की तरफ से जो गारंटी दी जा रही थी और जो जनरल जो आम नियम कानून की शर्तों की बातें थी उनको लेकर के उन्होंने अपनी बात कही थी। तो निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके सबसे बड़े किरदार मोहन कुमार कह रहे हैं कि इस मामले में प्राइसिंग से पीएमओ पर कोई डिसेंट हमने नहीं जताया था, और निश्चित तौर पर यही सरकार का भी इस मामले पर जवाब होगा, क्योंकि सरकार भी यही कहेगी कि इस मामले में कीमतों पर किसी तरीके से दखल पीएमओ के जरिए नहीं। ठीक है, विक्रांत हमारे साथ और तमाम सहयोगी जो आप देख रहे हैं वो सब हमारे साथ। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी, जिसमें कई मुद्दे, जिनमें जिस तरीके का माहौल चल रहा है, 2019 के चुनाव अब करीब है, ऐसे में सब पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने मुद्दों को लेकर जनता तक जाना चाहती हैं, और इसी को लेकर आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये लगभग कई बातें तय मानी जा रही हैं कि रफाल का एक इसमें मुद्दा होगा, जिस पर एक बार फिर से घेरने की कोशिश यहां पर सरकार को होगी, और उसके साथ साथ राहुल गांधी कई और सवाल यहां पीएम मोदी से सीधे कर सकते हैं। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि कभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके जवाब में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, और बीजेपी भी कई चीजों का जवाब और कई सवाल वापस से कांग्रेस पार्टी पर कर देती है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं और रुख उस कमरे का कर रहे हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे पत्रकार इकट्ठा हैं, वहां पहुंचेंगे और थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। रफाल का मुद्दा एक बार फिर से राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है, साथ ही साथ जो तमाम वादे यहां कांग्रेस पार्टी ने किए हैं आने वाले चुनावों के मद्देनजर, उन पर एक बार फिर से गौर फरमा सकती है, ये दिखा सकती है कि उनके कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पर वो आने वाले चुनावों में उतरने वाली है। ये पूरी रणनीति के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपको बता दें कि इसको लेकर अब प्रियंका गांधी भी जब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं तो कल ही महासचिवों की बैठक भी हुई थी और उसमें कई एजेंडे तय किए गए होंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि 2019 के चुनावों को देखते हुए इसमें कई चीजें हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, और आज उसके बाद राहुल गांधी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो पहुंच चुके हैं उस कमरे में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद शुरू होनी है। रफाल पर राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कई खुलासे वो कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रफाल का एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस भुनाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि इस पर घोटाला हुआ है और इसके कई सबूत हैं, इसके जांच होने चाहिए। हालांकि इसकी इन सब दलीलों के बीच बीजेपी भी कई बार सामने आई है और ये साफ कर चुकी है कि रफाल के मुद्दे पर कोई घोटाला नहीं हुआ है। But I see some people are missing. Some familiar faces are missing. Tell me. Go ahead. So wish you all a very good morning. I have a bad throat. But before that, I'd like to welcome the party president, Shri P. Chidambaram, and Shri K. C. Venugopal. In the light of new revelations, Shri Rahul Gandhi would like to address the media and take this entire Rafael scam forward. And like we've been mentioning, truth cannot be suppressed. Without taking too much time, I would request the Congress President to address the media. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming.
Now, we've been saying now for more than a year that the Prime Minister is directly involved in the Rafael scam. And now, today, in the Hindu newspaper, it is black and white. It is absolutely black and white that the Prime Minister himself was carrying out a parallel negotiation with the French. Now, I want to speak to the youngsters of this nation, and I want to speak to every single member of the armed forces of this nation. This is about your future. You defend us, you protect us, you fight for us, you die for us. And here it is absolutely clear that the Prime Minister has stolen 30,000 crores of your money, bypassed a process, and given it to his friend Mr. Anil Ambani. We have been saying that there should be a JPC, there should be an inquiry. Now it is crystal clear. The ministry itself has said, and I will read it to you, it is therefore clear that parallel discussions by the PMO has weakened the negotiating position of MOD and the Indian negotiating team. We may advise PMO that any officers who are not part of Indian negotiating team may refrain from having parallel parleys with the officers of the French government. In case, and this is the most important part, in case the PMO is not confident about the outcome of negotiations being carried out by the Ministry of Defence, a revised modality of negotiations to be led by the PMO at appropriate level may be adopted in the case. So it is open and shut that the Defence Ministry itself is saying that the Prime Minister is conducting parallel negotiations. Mr. Hollande said, Narendra Modi ji mere paas aaye aur Narendra Modi ji ne mujhe kaha ki Anil Ambani ko contract milna hai, HAL ko pare karna hai. Defence Ministry ne wo sabit kar diya hai ki jo Hollande ji ne kaha tha wo sach tha aur Narendra Modi ji Rafael mamle mein guilty hai. Ab aapke koi bhi sawal ho aap poochiye. रिलैक्स वन प्लीज हिंदी में बोलता हूं. देखिए, मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, वायुसेना, आर्मी और नेवी के लोगों से, जवानों से बात करना चाहता हूं. प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है. हम ये बात एक साल से ज्यादा से उठा रहे हैं. मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं. निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है. सच्चाई क्या है कि वायुसेना, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है. और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें. होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए. यह बिल्कुल साबित हो गया है. चौकीदार चोर है और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता है. अब आपके सवाल हो आप पूछिए. आई डोंट अंडरस्टैंड. ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ही इज गॉट अ ड्यूअल पर्सनैलिटी. व्हाट इज दैट इन द मीनिंग? ही इज गॉट टू पर्सनैलिटीज, चोर एंड चौकीदार. Is that what he's saying?
No, you're laughing, but explain that to me. So he is now viewing himself as the chowkidar and the chor. And he talks to himself at night, one day he becomes the chowkidar, one day becomes the chor. Schizophrenia, is that what's happening? Listen, it's very clear. And you can read it here. Please take a good look at it. Friends in the Air Force, generals, pilots, it is written clearly here that the Prime Minister of India is a thief. He has stolen 30,000 crores from you. The Defense Ministry is objecting to his interference. Mr. Anil Ambani is his man. And Mr. Anil Ambani has been given 30,000 crores of your money. Now, my friends in the Air Force, pilots, remember one thing. This 30,000 crores could have been used for your safety. This 30,000 crores could have been given to your families. This 30,000 crores could be given to you when you die in a plane crash. This is your money. This is not the money of Anil Ambani. Okay? Now the Prime Minister is coming up with one excuse after the ek ke baad ek bahana nikal rahe hain. Kal bahut bada bhashan diya. Kya kaha? Kya chor chowkidar se pooch raha hai? Be clear. He has stolen from you. Black and white. And here there's the most interesting line. Defense Secretary of India. It is desirable that such discussions be avoided by the PMO. It is desirable that such discussions be avoided by the PMO as it damages our negotiating position seriously. Now, realize one thing. When an officer puts this on a piece of paper, he's putting it there for a reason. He is clearly saying here that the Prime Minister has bypassed us and the Prime Minister is directly carrying out a negotiation. And here he says, a revised modality of negotiation be led by PMO. Matlab, agar aap humse kaam nahi karana chahte ho, to aap karo. It cannot be written stronger than this. So it is black and white. नहीं देखिए देखिए वो परिकर जी से मैं मिला that was a courtesy call. I did not discuss this matter with him. It would have been inappropriate to discuss such a matter when Mr. Parikar is not well. I didn't want to involve him in this. उसमें एक बात मैंने अपने मतलब उनको चिट्ठी लिखी उसमें मैं एक बात रिजर्व करता हूँ कि मैं आपसे मिला हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में राफेल के बारे में बात नहीं उठाऊंगा और जो उनका जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन था और वो उनकी हेल्थ के बारे में था उनकी फैमिली के बारे में था वहां पे ये कोई बात नहीं हुई हाँ बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं राजस्थान में किया मध्य प्रदेश में किया छत्तीसगढ़ में किया बहुत अच्छा काम किया वेरी गुड वेरी गुड वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन वन बाय वन प्लीज यू Of course it's corporate warfare. It's absolutely corporate warfare between corporates and the defense ministry. And Mr. Narendra Modi is the representative of Mr. Anil Ambani. Absolutely, the Prime Minister is right. 100%. He is the one who's done this. Here it's written here. Please do not do parallel negotiations. Who's he doing parallel negotiations for you? Not for you. Is he doing them for you? No, he's doing them for Anil Ambani. भैया प्लीज वन बाय वन सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने झूठ बोला है क्लियर इफ सुप्रीम कोर्ट हैड दिस पेपर वर्क यू थिंक
You think Supreme Court would have given the judgment that they gave? This was withheld from the Supreme Court, of course. So that entire judgment is also in question. That judgment is now completely in question. The CAG report that was supposed to come, that had already come, never came. And now here you have clear black and white. आप एक जवान को एक बुलेट प्रूफ जैकेट देते हो और अनिल अंबानी को 30,000 crore रुपए देते हो, मतलब व्हाट इज द, जस्ट लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. देर इज ए क्लियर पेपर वर्क हियर दैट इज सेइंग दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएमओ, दे मेंशंस पीएमओ नरेंद्र मोदी हैज बाईपास द नेगोशिएशन प्रोसेस. इट क्लियरली सेज कि नरेंद्र मोदी ने नेगोशिएशन प्रोसेस को बाईपास किया है. कल नरेंद्र मोदी जी ने लंबा भाषण दिया. नरेंद्र मोदी एक्सेसिबल है, भाषण देते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इसके बारे में बोलिए. नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री यह क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, इसके बारे में बोले. वन बाय वन प्लीज. Do I look rattled to you? Do I look rattled to you? Please take a good look at the Prime Minister. Take a look, good look at me and figure out who looks rattled. Yeah. I'll handle it. But yeah, please, one by one. वो सब ठीक है, मेरा एक जवाब दे दीजिए. होलैंड जी ने clearly बोला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है, उसने मुझे कहा है कि अनिल अंबानी को 30,000 crore रुपए देने हैं, वो होलैंड जी ने बोला. अब डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजिशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी. तो नाउ प्लीज आस्क द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई इज इट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस has called him a thief, and why is it now that the defense ministry unko chor bula rahi hai? To aap jaake unse poochiye please. Mera kehna hai, dekhiye mera kehna hai, jiske khilaf aap karwai karna chahte ho aap karo, theek hai, aap sarkar mein ho, magar iske bare mein bhi kar do. Nahi, you do whatever inquiry in Mr. Chidambaram you want. He will face any inquiry. You do any inquiry on any... Listen, let me answer the question. You do inquiry on anybody you want. Anybody in the Congress party. No problem. But please do an inquiry on this. Please explain to us why the defense ministry is saying that Prime Minister has carried out a parallel negotiation. Answer that. Bhaiya, if you don't do one by one... I'm asking him. Please stop. Bhai, please stop one second. आप करिए, आप जितना नहीं देखिए, वो जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम. मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए. लास्ट वन भैया, थैंक यू. मैं ओके, और डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी का नाम तो नहीं दिख रहा. कैन यू सी कांग्रेस पार्टी हियर समवेयर? कैन यू सी हियर समवेयर कांग्रेस पार्टी? नो नो कांग्रेस पार्टी. कैन यू सी हियर कांग्रेस पार्टी सर? सो वन सेकेंड Listen, you are serious journalists, okay? Now, it is absolutely crystal clear that the Prime Minister has stolen from this country. It is absolutely crystal clear that Prime Minister has stolen from the pilots of the Air Force, from the generals of the Air Force, from the Defence Forces.
and it is your duty now. We have done our duty. Okay, we have made it very clear. We have brought the truth. We have taken it right to the point. And we will take it further. We are not going to stop here. But it is your duty to tell the people of India that the Prime Minister is a thief. And I'm using strong words. I don't like using strong words. But I'm forced to use this word because it is the truth. There is no other word I can use other than the Prime Minister is a thief. Thank you very much. तो राहुल गांधी यहाँ पर एक अखबार का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो भी अब ये कह रही है कि आखिरकार इसमें पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हुआ। इस पर पीएम मोदी जांच में जब यहाँ पे पूरी सौदेबाजी हो रही थी तो पीएम मोदी ने रफेल पर अलग से सौदेबाजी क्यों की, ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पहले से कहा था कि रफेल डील को लेकर घोटाला हुआ है जिस पर रक्षा मंत्री, जिस पर पीएम मोदी, इन सब ने झूठ बोला। और अब वो एक अखबार का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा जो दावा था वो सच हुआ। अखबार में इस तरीके की खबर छपी है कि 30,000 करोड़ के घोटाले पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कई सवाल यहां पर उठाए हैं कि आखिरकार इसमें, इन सौदेबाजी में डायरेक्ट पीएमओ की तरफ से क्यों दखल अंदाजी की गई, ये सवाल वो उठा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि कई सवाल जो कांग्रेस पर उठ रहे हैं वो भी उनसे पूछे जाएंगे। बहुत ही बखूबी तरीके से वो उन सवालों से बचते नजर आए, लेकिन यहाँ उन्होंने उठाया रफेल का मुद्दा। रुपए चोरी किए हैं, क्लियरली वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस, सो इट्स वेरी क्लियर, इट्स द ट्रुथ हैज कम आउट। थैंक यू। तो जब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, किस तरीके से पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, उसका जवाब भी वही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इस पर जवाब पीएम मोदी को सामने आकर देना होगा कि आखिरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों कह रही है, उस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही साथ एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है रफेल को लेकर, क्योंकि इस पर पहले कांग्रेस कई आरोप लगा चुकी थी जिसका जवाब संसद में भी निर्मला सीतारमण ने दिया था।